जी नमस्कार स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि जैन टू अप्रैल 2023 न्यू क्यू कार्ड जो हैं और उसकी लिस्ट जो है वो धीरे धीरे जो है स्टूडेंट्स के पास, जैसे जैसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं स्पीकिंग दे के तो वो बता रहे हैं, तो उसके लिए हमने जो सैम्पल आंसर बनाने शुरू किए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिस्क्राइब अ मोबाइल फोन एप्लीकेशन दैट यू यूज्ड टू लर्न अ न्यू स्किल। ठीक है, व्हाट इट इज़, When did you use it first time? How it helped you? And how do you feel about it? तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको हिंदी में भी बताता जाऊंगा साथ साथ में, तो प्लीज़ आप नोट कर लीजिए और इसका सैम्पल आंसर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, In recent times, modern technology has blessed people with numerous applications in modern gadgets such as mobiles and laptops in order to provide more comfort, convenience and entertainment. मतलब आजकल जो है बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने लोगों को बहुत सारी एप्लीकेशंस प्रोवाइड करी हैं मॉडर्न गैजेट्स में, फोन्स में या लैपटॉप में, ताकि उनको वो अच्छा उनको सुविधा दे सकें और हेल्प कर सकें और एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकें। वन ऑफ द एप्लीकेशंस विच आई यूज टू इम्प्रूव माई इंग्लिश स्पीकिंग स्किल इज कैमले ऐप। तो उनमें से एक एप्लीकेशन जो मैंने यूज़ करी है वो है कैमले ऐप, जो मैंने अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ की है। व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर आईएल्स एग्जाम आई वाज स्ट्रगलिंग विद स्पीकिंग मॉड्यूल। जब मैंने अपनी आईएल्स की तैयारी शुरू करी तो मैं इंग्लिश स्पीकिंग मॉड्यूल में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। ऑल्दो आई वॉज परफॉर्मिंग वेल इन अदर मॉड्यूल्स लाइक रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग, हालांकि दूसरे मॉड्यूल जो हैं जैसे रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग में मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट इट वॉज हार्ड टू गेट रीड ऑफ स्पीकिंग मॉड्यूल। लेकिन स्पीकिंग मॉड्यूल से बाहर आना, स्पीकिंग मॉड्यूल के डर से बाहर आना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। एक्चुअली आई डिड नॉट ज्वाइन एनी लैंग्वेज सेंटर, रेदर आई प्रिपेयर्ड एवरीथिंग एट होम विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब ट्यूटोरियल्स एंड फ्री लेसन्स गिवन बाई वर्ल्ड क्लास ट्रेनर्स। एक्चुअली मैंने कोई भी लैंग्वेज सेंटर, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था और इसकी बजाय मैंने घर पे बैठकर ही यूट्यूब वीडियोस की हेल्प से या फिर जो फ्री लेसन्स वर्ल्ड क्लास ट्रेनर के द्वारा दिए जाते हैं उनकी हेल्प से मैं अपने घर पर ही प्रिपेयर जो था इसका कर रहा था। However, in order to improve my speaking skills, I needed an efficient English speaking partner who could assist me straight away improving my mistakes. फिर भी मेरे को अपनी English speaking को improve करने के लिए एक अच्छा और अच्छा जो मेरे को English speaking partner चाहिए था जो मेरी गलतियों को सुधारने में मेरी straight away जो है वो मेरी help कर सके। Finally, one of my friends suggested me Cambly app. आखिरकार मेरे दोस्त ने मेरे को कैम्बले ऐप के बारे में बताया, वेयर वी कैन फाइंड इंग्लिश स्पीकिंग एग्जामिनर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे हमें पूरी दुनिया से एग्जामिनर जो है इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश बोलने वाले एग्जामिनर्स मिल जाते हैं एंड मोर इम्पॉर्टेंटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और इससे भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो होते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग। आई डाउनलोडेड दिस ऐप इन माई फोन एंड रजिस्टर्ड विद इट। मैंने इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड किया और इसके साथ रजिस्टर्ड हो गया। आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू हैव रेगुलर कन्वर्सेशन विद नेटिव्स ऑन डेली बेसिस। तो इस एप्लीकेशन की मदद से मेरे को नेटिव के साथ रोज बात करने का चांस मिला। वेल ट्रेंड एग्जामिनर्स हेल्प्ड मी टू ओवरकम द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड हेजिटेशन अलॉन्ग विद प्रिसाइज्ड हेल्प इन इम्प्रूविंग वोकैबुलरी एंड ग्रामर। तो जो अच्छे ट्रेनर थे, ट्रेंड एग्जामिनर थे, उन्होंने मेरे को जो मेरे अंदर बोलने का डर था, पब्लिक स्पीकिंग का डर था, उससे बाहर आने के लिए, उससे ओवरकम करने के लिए मेरे को हेल्प किया और उसके साथ साथ उन्होंने मेरी वोकैबुलरी और ग्रामर में भी मेरी हेल्प करी इम्प्रूव करने में। आई बिलीव दैट आई इम्प्रूव्ड माई इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऐप। मुझे ये लगता है कि मेरी जो इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी है वो सिर्फ इस एप्लीकेशन की वजह से ही इम्प्रूव हुई है। आई ऑल्सो रिकमेंड दिस एप्लीकेशन टू ऑल द IELTS aspirants इफ दे वॉन्ट टू सिक्योर अ गुड बैंड स्कोर इन स्पीकिंग। तो मैं सारे जो IELTS करने वाले हैं उन सभी को ये वाली एप्लीकेशन रिकमेंड करता हूं कि उनको यूज करनी चाहिए अगर वो अपना स्कोर अच्छा लेना चाहते हैं स्पीकिंग में। होपफुली आपको ये क्यू कार्ड काफी सिंपल अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि नए नए क्यू कार्ड जैसे रिलीज होंगे वैसे हम लोग इसके ऊपर वीडियोस बना के आपको सैंपल आंसर शेयर करेंगे
और प्रेडिक्शन की वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है, कल आपको मिल जाएगी 7th की प्रेडिक्शन, और उसके बाद जो एग्जाम होने वाले हैं उसकी प्रेडिक्शन भी हम करेंगे, ठीक है जी। और इसी प्रकार से हम लिसनिंग की वीडियोस भी डालते रहते हैं डेली बेसिस के ऊपर, आपको रीडिंग के कंटेंट मिलता है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने रीडिंग का वीडियो डाला था, तो रीडिंग में जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है वो भी देख सकते हैं, ठीक है जी। राइटिंग में जिनको प्रॉब्लम है, मैंने कल आपको बताया है आपकी आपको 8 बैंड कैसे लेने हैं, वो वाली वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।